So let's start. मेरा सबसे पहला वीडियो है, इससे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम राम है और मैं एक योगा प्रैक्टिशनर हूँ. योगा प्रैक्टिस करता हूँ, योगा सीखा है. और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है. वैसे तो हमारे बर्थडे अलग अलग डेज पे आते हैं, लेकिन ये जितने भी योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, आज का दिन उन सबका बर्थडे है. तो खुद का बर्थडे मनाने के लिए, हम सबका बर्थडे मनाने के लिए, योगा से इंस्पायर होके, अपने फ्रेंड्स से इंस्पायर होके, एक प्रेरणा हुई कि मैं भी एक पेज बनाऊं योगा का. सो इसलिए आपके सामने हूँ. और सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले, गुरु और ईश्वर परमात्मा को वंदन करते हैं. वही सब कुछ है हमारे लिए. और उसके बाद जहाँ से मैंने कोर्स किया है द योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज ईस्ट. और वहाँ पे जो टीचर्स मुझे मिले, उनका बहुत आभार है मुझ पर, उनका बहुत उपकार है, जिन्होंने इतना अनमोल योग विद्या मुझे सिखाया. उनमें से कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे अनिल सर हैं, ना हटा ना बला, और रामेंद्र सर, उनके वाइब्रेशंस और चांटिंग, और रुचि मैम, उनकी तो क्या बात कही जाए. और बाकी रह गए मणि सर. जैसे कोई बच्चे को स्पून फीड करता हो, वैसे ही वो इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त नॉलेज को स्पून फीड करते हैं माइंड में. तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भुलाना चाहूँ तो भी शायद नहीं भुला पाऊँगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आज योगा डे है, तो सबसे पहले योग वर्ड को पकड़ लेते हैं. तो कोई योग कहता है, कोई योगा कहता है, आप कुछ भी बोलो, लेकिन चीज़ बहुत ज़बरदस्त है. आपकी चॉइस है, योग बोलें चाहे योगा बोलें, कोई दिक्कत नहीं. तो जब भी हम वर्ड योगा सुनते हैं, पढ़ते हैं, या हमारे ख्याल में आता है, तो हमारे माइंड में कुछ चीज़ें आती हैं कि एक जैसे हो गया कि ऋषि मुनि ध्यान में आ जाते हैं, कि कुछ बाबा थे जटाधारी लोग जो संन्यास लेते थे, संसार का त्याग करते थे, या आज भी करते हैं, अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, करते थे और किया भी है. एक तो ये लोग हो गए, और दूसरे हो गए आजकल के आपके जैसे, मेरे जैसे मॉडर्न योगी. मॉडर्न योगी नहीं कहना चाहिए, योगी कहना चाहिए, क्योंकि ये एक टी शर्ट और लोअर पहन के, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लेके, हाथ में मैट पकड़ के ऐसे ही निकल पड़ते हैं. बस एक अलग ही एनर्जी है इनके अंदर, एक अलग ही खुशी, पता नहीं क्या है, एग्जैक्टली नहीं मालूम. ये रहते तो ज़मीन पर हैं, लेकिन धरती का कोई कोना छोड़ा नहीं है इन्होंने. जितने भी योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी योगा प्रैक्टिस करते हैं, धरती का कोई कोना, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस ना करी हो. बस मैट बिछा के चालू बंदा. होते तो ज़मीन पर हैं, लेकिन इरादे आसमान को छूते हैं. इनकी महिमा क्या गाई है. एक ये हो गया. और उसके बाद अब आते हैं कि हम जैसे साधारण लोग योग को क्या समझते हैं. एग्जैक्टली योग क्या है, उसका ध्यान, मतलब हमारा क्या ध्यान रहता है योग की तरफ. तो कुछ ऐसा रहता है कि एक तो हम ये सोचते हैं कि या तो हम सन्यासी, योगी, ऋषि मुनि जो थे वो लोग थे. एक ये है कि जो पोस्चर्स हम देखते हैं आजकल, जो योगा प्रैक्टिशनर्स करते हैं, जो मन को बहुत लुभाने वाले होते हैं, बंदा देख के प्रसन्न हो जाता है, एक खुशी सी आ जाती है देख के. कोई कोई तो हैरान रह जाता है कि अरे हाथ पांव जा कहाँ रहे हैं, ये कर क्या रहा है बंदा, इसने ये कर कैसे लिया. तो उसके पीछे उनकी सालों की मेहनत रहती है, उनकी दिल की लगन रहती है. तो
उनको देख के, मेरे कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि उनको देख के खुश होना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं योगा कैसे करूँगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि योगा सिर्फ आसन नहीं है, ना प्राणायाम है सिर्फ, योगा इन दोनों के अलावा भी बहुत कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग में ना आता हो। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं जो योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, अपने पोस्चर परफेक्ट करते हैं, ये खुद तो स्वस्थ रहते हैं लेकिन इनके अंदर एक अलग सी भावना रहती है, अलग सी अपने समाज के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, कि जैसे किसी की लॉटरी लगी और सबको बताना चाहे कि मेरी इतनी लॉटरी में लगी, इतनी लॉटरी लगी, तो ये भी खुद तो खुश रहते हैं लेकिन दूसरों को भी साथ साथ खुश करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन सच में बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं कि योगा क्या है। तो योगा आसन प्राणायाम तो है बॉडी के लिए और साथ साथ माइंड पे भी काम होता है योगा से। कि आज अगर कोई बोले कि मेरी बॉडी ऐसी कैपेबल नहीं है कि आसन ना कर पाए, आसन कर पाए, और मैं खुद को ऐसा नहीं समझता कि मैं योगा कर पाऊँगा, योगा आसन कर पाऊँगा, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आसन नहीं कर पा रहे हो, जितना भी आपसे हो पाता है आपको योगा अपनाना चाहिए। उससे जो प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपका मन खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा तो जहान खुश हो जाएगा, ऑटोमेटिक हर चीज़ सही हो जाएगी। जैसे किसी की दो संतान हो, एक पर तो बहुत ध्यान दे लेकिन एक पर बिल्कुल ध्यान ना दे, ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि जैसे तन और मन दो चीज़ें हैं। हम सारी ज़िंदगी तन पर तो ध्यान देते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, कपड़े लाते हैं, ज्वेलरी लाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आप जानते हैं क्या क्या करते हैं, लेकिन मन पे इतना ध्यान नहीं देते। हालांकि उस पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम तन पे ध्यान देते हैं। दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। तो यही मेरा एक ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि एक तो जितना मुझसे हो सके, जितना मैंने प्राप्त किया है उतना आपको बता सकूं, कोशिश करूंगा कि जितना अच्छे से हो सके, साथ में आसना प्रैक्टिस भी करेंगे, प्राणायाम भी, और साथ साथ जिसके लिए मैं बोल रहा हूं, ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूं कि आसना और प्राणायाम के अलावा, बॉडी के अलावा भी बहुत कुछ है योगा में, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है, तो उस पर भी ध्यान देंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे कि आसना और प्राणायाम के अलावा क्या क्या है इसमें योगा में। तो तीन चीज़ें मैं हमेशा सोचता हूँ जो मैंने सीखी हैं इस कोर्स से, कि सबसे पहले ये रिमूव योर नेचुरल स्लॉथ, कि हमारा जो आलस्य है, एक तो तन का आलस्य है, दूसरा मन का आलस्य है। मन के आलस्य में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आज का काम कल पे छोड़ना, अपने मन पे ध्यान ना देना, ये भी उसी में आता है, और भी बहुत बातें हैं, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। दूसरा नो योर सेल्फ वर्थ के हमारी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मैं आज एक इंसान हूँ तो एक इंसान होने की इम्पोर्टेंस क्या है। जब तक मुझे अपनी इम्पोर्टेंस का पता नहीं होगा तो तब तक मैं शायद खुद पे अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाऊँगा। जैसे किसी के पास 1 करोड़ रुपए की गाड़ी हो और उसका स्टेयरिंग खुद के हाथ में ना हो, और ड्राइवर ऐसा रखा हुआ है जहाँ उसका मन घुमा रहा है वहाँ वो घूम रहा है, जहाँ ड्राइवर घुमा रहे वहीं घूम रहे हैं। तो योगा यही सिखाता है, योगा एक मिरर दिखाता है हमें खुद का, कि आपके अंदर जो ये माइंड नाम का क्या मशीन लगा हुआ है, कंप्यूटर है, कुछ भी बोल सकते हो आप, फैक्ट्री बोल सकते हो, जो ये चीज़ दिन रात
बिना रुके काम कर रही है, आखिर ये काम करती कैसे है, वो हम योगा में सीखते हैं। जब हमें ये पता लग जाएगा कि ये कैसे काम करती है और हम इसमें इसका चार्ज कैसे ले सकते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। जब हमें खुद का पता चल जाएगा कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, हमारी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपका जो भी लक्ष्य हो, फिर थर्ड एक बात मैं कहता हूँ कि अनफोल्ड योर ओन मिथ। जो भी आपका लक्ष्य हो उस पर आप पहुँच सकते हो बिल्कुल आसानी से, आसानी से नहीं कह सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन खुशी खुशी पहुँच सकते हो। आपको जो भी परिस्थितियाँ हैं, सिचुएशंस हैं जिसमें हम परेशान हो जाते हैं, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति जो हमेशा बदलती रहती हैं, आती हैं, जाती हैं, उन सब में एक समान रहना ये योगा सिखाता है। ये सब हम सीखेंगे। सो एक बार फिर से सबको बधाई हो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की। जहाँ भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट।